स्वास्थ्य शिक्षण संकुल के ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विषय गुजराती में पाठ 6 भाईबन मारो बोले को। इस पाठ में ख्याल से इससे पहले भी दो भाग आपने देखे होंगे, आज हम इसका आगे का तीसरा भाग पढ़ाएंगे। बीक लागे, पहला सवाल है बातचीत, तमने केव तोफान ना गमे, तो उसका जवाब हम लिखेंगे, कोई ने नुकसान थाय तेनी लागणी दुबाई एवं तोफान मने ना गमे। तमे कोई तोफानी बाड़क ने ओळखो छो ते केवा केवा तोफान करे छे, हाँ, तो उसका जवाब आएगा, हाँ हूँ एक तोफानी बाड़क ने ओळखो छू, ते बिलाड़ी ने पकड़ी ने पानी ना टब में बोड़े, ते कूतरा नी पूछड़ी ने फटकड़ा नी लूम बांधी फटाकड़ा फोड़े, आवा तो ए अनेक तोफान करे। तमने कया कया जानवर ने जंतुनी बीक लागे के, तो उसके जवाब में लिखे, मने कूतरानी बीक लागे कारण के ते भसे छे अने मारी पाछड़ पड़े छे, मने वंदानी बीक लागे छे केम के मने तेनी चित्री पड़े छे। 4 बीक लागे त्यारे शरीर में शू शू थाय, मजा आवे त्यारे शू शू थाय, तो इसके जवाब लिखे, बीक लागे त्यारे शरीर में ध्रुजारी थाय, कोईक वार श्वास चढ़े के ताव पण आवे, मजा आवे त्यारे शरीर प्रफुल्लित थाय। 5 कया कया पक्षी ने शिकारी पक्षी कहवाय केम, तो उसके जवाब में हम लिखे कि कागड़ो संभड़ी बाज जेवा केटलाक पक्षीओ ने शिकारी पक्षी कहवाय कारण के तेओ नाना नाना जीवड़ा वीणी खाता होय छे, कागड़ो संभड़ी बाज जेवा पक्षीओ तो उंदर जेवा प्राणीओनो पण शिकार करे छे। अत्यारे शिकारी माणसो हशे ते सानो शिकार करता हशे, तो उसका जवाब लिखे कि शिकार पर प्रतिबंध है छता शिकारी माणसो गैरकायदेसर शिकार करे, ते चामड़ू अने नख मेळवा माटे वाघ सिंह हरण जेवा प्राणीओनो शिकार करे छे। तमने शू लागे छे शिकार करवो जोईए, तो उसका जवाब, ना मने लागे छे शिकार ना करवो जोईए। 8 गोदाममां जानवरनी बोर जेवी गंध केम आवती हशे, तो उसका जवाब, गोदानमां हवा उजास नहोतो, गोदाननी जमीन पंखीओना पीछा अने अगरथी तेमज मड़ाशयमांथी पड़ेला तनखा अने फूटेला ईंदाना कोटलामांथी छवायेली हती, आथी गोदानमां जानवरनी बोर जेवी गंध आवती हशे, समड़ी खोराक माटे हवे शू करवे, समड़ी, तो उसका जवाब आएगा, समड़ी खोराक माटे हवे बीजे जो। आगे का सवाल है आपको, आँखों बंद करी पान पछी बीजा 15 पाना गणो, एम दूसरे 15 पाने गिनने के, कयो पाना नंबर आव्यो हवे तपासो, यानी कौन सा पाना नंबर आया आप तपास, वाक्यले वाक्य साचू छे के खोटू, यानी वाक्य सही है या गलत, साचू होय तो जीभ काढो, खोटू होय तो वाक्य बताया प्रमाणे सुधारो, सही होय तो आपको जीभ निकालनी है और गलत हो तो उस वाक्य को सुधारना है। पहला वाक्य आपको दिया है उदाहरण के, बोधरा शाळानो सौथी विद्यार्थी गणातो, तो डाया गलत है तो तोफानी आएगा, पतंगिया जोता बोजराज उभो रही जातो, तमने जोया करतो अने तेमना फोटा पाड़तो, तो ये क्या है, ये वाक्य गलत है, तो इसमें आएगा उभो रही जातो वहाँ से गलत है वो निकाल देना, और आपको लिखने का है आपने कमक में आवी जाए एवं कर दो। 3 शाळाए थी छूटी बोधराज घरे जातो नहीं ते आसपास फरतो रहतो, तो ये वाक्य सही है। 4 बोधराज भीष्मना नवा घरे अवार नवर जातो, तो ये वाक्य भी सही है। 5 પોતાનું નિશાન ખાલી જાય તો બોધરાજ પોતાના પર ગુસ્સે થતો, તો એ વાક્ય ગલત છે, તો સહી વાક્ય છે બોધરાજ પોતાનું નિશાન, બોધરાજનું નિશાન કદી ખાલી જતું નહોતું, ગોદાનમાં ચમડીનો માળો હતો, તો ઉસકા જવાબ આયેગા ચમડી ગલત આયેગા કાબર આપો લિખને કા। 7 બોધરાજે માળાને ગેરેજમાં ગોઠવ્યો, તો એ વાક્ય સહી છે। 8 બોધરાજ અને ભીષ્મને કાબરના બચ્ચાને હાથમાંથી દાણા ખવડા, તો હાથમાં દાણાથી દાણા ખવડા ગલત છે, ટીપે ટીપે પાણી પાયું, શબ્દોનો અર્થ સમજો, એમ શબ્દ કા અર્થ સમજ્યા, તે શબ્દોનો ઉપયોગ કરી નવું વાક્ય બનાવો, શબ્દ કા આપકો અર્થ સમજના હૈ ઓર ઉસકા એક નયા વાક્ય બનાના હૈ, 2 વાક્ય દિયે ગયે, તીસરા વાક્ય આપકો લિખને હૈ। અપવાદ સામાન્ય નિયમોમાં બાદ તેવી વસ્તુ કે તેનું ઉદાહરણ વાક્ય બનેગા ઇસકા, સોસાયટીના બધા ગેટ દરરોજ રાત્રે બંધ રહે રવિવારે અપવાદ, ઇસમે એ વાક્ય આયેગા તીસરે।
दूसरा गोदाम, तो अर्थ है उसका माल भरवानी वकार गोडाउन। और इसमें वाक्य बनेगा, गोदान में भरेलू अनाज वरसाद पानी भराता सड़ी गई बढ़ती, तो इसका अर्थ है प्रमोशन वृद्धि। और इसका वाक्य बनेगा, महेश भाई ने रेलवे में बढ़ती मरता आवे तेमने आसाम जवू पड़ते मोकड़ू मैदा, तो इसका अर्थ है छूट स्वतंत्रता। अब इसका वाक्य बनेगा, वर्गमा शिक्षक नौता विद्यार्थी ने बातों करवानु मोकड़ू मैदान मड़ी गयु गर्व तो अभिमान। और इसका वाक्य है, जे गर्व करे ते अंते हारे। जोड़ी में काम करो यानी आपको जोड़ी में काम करना। आपेला वाक्य जेवा अर्थवाड़ा वाक्य वार्तामाथी थो यानी जो आपको वाक्य दिए गए उसके जैसे ही वाक्य आपको किताब में से ढूंढने के ते वाक्य ना पहला बे अने छेल्ला बे शब्द कौंस में लखो यानी वो वाक्य के पहले दो और छेल्ले दो शब्द आपको कौंस में लिखने। उदाहरण आपको दिया है, बोधराज भारे तपोड़ी ते मारे एटले गोफड़नो पत्थर तेना धारे अप्रमाणे ज्वार तेना हाथ में ना जा। इस रीते आपको जवाब लिखने। यहाँ आपको वाक्य दिए गए, मैं हर एक में जवाब आपको बताऊंगा। तो पहले वाक्य में जवाब आपको ले आएगा, पतंगिया अने पिटीन डोर आवी जाए पूर्ण विराम। दूसरे वाक्य में आएगा, गोदामनी जमीन पिटीन डोर और छवायेली हती पूर्ण विराम। चौथा है, मने कही पिटीन डोर और तरसा छे। और पांचवा है, बच्चा चीची तीन डोट और कर से। छठा आएगा, अचानक हवा बारी माती फिर तीन डोट और रही अति पूर्ण विराम। और सातवें वाक्य में आपको लिखने का है, बीजे दिवसे तीन डोट लाव्यो हतो पूर्ण विराम। इस रीते आपको कौंस में लिखना है। प्रश्नोना उत्तर लखो, सवाल के जवाब आपको लिखना। पहला सवाल, जीव जंतु अने पक्षी विषय अवनवी बातों बोधराज कई रीते सीखो, तो उसका जवाब आएगा, जवाब आएगा, बोधरा शाड़ाए छूटा पछी रखड़वा निकली पड़त तेनी जिज्ञासा अने अवलोकन वृत्ति थी ए जीवजंतु अने पक्षीओ विषे अवनवी बातों सीख्यो। बोधराज कया कया वर्तन वाँची तमने अरेटी थी कोई पण बे लखो, तो उसका जवाब है, बोधराज पतंगिया अने भमरिया साथे एवुं वर्तन करतो के आपणे कमकमां आवी जाय तेना गजवामां जीवतो देड़को जात भातना ईंडा जेवी चित्र विचित्र वस्तुओ भरेली हो। बोधराज आ वर्तन वाँची मने अरेठी थई। तीसरा, भीष्मनी माताने बोधराज साथेनी दोस्ती गमती हसी केम, तो उसका जवाब, ना, भीष्मनी माताने तेनी बोधराज साथेनी दोस्ती गमती नथी कारण के बोधराजने पक्षीओना माळा पीकवानो भारे शोख हतो। चौथा, चमड़ी दररोज गोदानमां आवती हशे ये बात भीष्मने केवी रीते समझाए, तो उसका जवाब, चमड़ी आवी बच्चा चीची करता पाको पपड़ावा लगा चमड़ी हवा बारी परथी उड़ीने थांबला पर जई गई तेने पाखो थमकेली आँखों खोली अने आजूबाजू में जोवाला आती भीष्मने समझाई के चमड़ी दररोज गोदानमां आवती हशे अने पक्षीओना माळा चूंती हशे। गोदानी जमीन पर सेसी कपायेली पाखो सरकड़ी अने पंखीओना मांसना टुकड़ा वेराएला हता। बोधराजे काबरना बच्चा कई रीतथी बचाव्या, तो उसका जवाब, बोधराजे टेबल कसेड़ीने माड़ा नीचे मूकी बाजू में पड़ेली एक तूटेली खुर्सी उचकी टेबल पर मूकी खुर्सी पर चढ़ी माड़ो हाथ में ली हड़वेथी नीचे उतरी गयो आ माड़ो गेरेजना मोभा पर गोठी दीधो के ज्यां संभी आवी सके तेम नहोती। आ रीति बोधराजे काबरना बच्चा बचाव। तमने शू लगे यानी आपको क्या लगता है, वर्ग ने जनाओ अने लखो यानी आपको क्या लगता है पूरे क्लास को बताना है। चमड़ी आया पछी बोधराजना वर्तन में शू फेर थयो के, तो उसका जवाब आएगा, चमड़ी आता ज माड़ा में रहेला काबरना बच्चा चिकियारीओ करवा लाग्या। बोधराज ने कहू कि चमड़ी बच्चा ने खाई जैसे गोपन वड़े माड़ा तरफ पत्थर फेंकनारा बोधराज ने चिकियारो सांभी कापी छूटी अने दया आई तेने गोपण अने थोड़ा पत्थर भीष्मने आपी दीदा अने पोते काबरनो माड़ो बचावा काम में लागी। जीवजंतु पशु पक्षी कोई जोई बोधराज हवे शू करतो हशे, तो उसका जवाब है, जीवजंतु पशु पक्षी जोई बोधराज हवे तेमने हैरान नहीं करतो है तेमने मारवानो विचार
नहीं करते परंतु तेमनु रक्षण करवानो विचार करतो हाजे। समड़ी हवे खोराक मेळवा शू करते क्या जते, तो उसका जवाब है समड़ी हवे खोराक मेळवा बीजे माड़ा शोधते क्या शिकार मड़ी सके तेम हसे क्या जते। चौथा आ वात काबरना बच्चा कहे तो केवी रीति कहे, तो उसके जवाब में हम लिखे कि अमारा मम्मी पप्पा भूला पड़ी गए एक गोदाम में तेमने माड़ो बनावे अमारो जन्म त्या थयो हतो। एक दिवस तेओ चण शोधवा गया त्यारे भीष्म साथे बोधराज आव्यो। बोधराजे गोकण ऊँची करी पत्थर ने छोड़ो एमांथी छूटो पत्थर पतराना छापरा साथे अकड़ाई जोरथी नीचे पड़ो। अमे गभराई ईर्षान थई गया तेणे बीजो अने तीजो पत्थर छोड़ो पण अमारे माड़ो नीचे पड़ो नहीं एवामां संभळी आव्यो के पाखो पतारीने अमने भयंकर रीति ताकी रही अमे भयभीत थई चीची करता पाखो पकड़ावा लागे। अमारी चीचियारे सांभळी बोधराजने समझाई गयो संभळी अमने खाई जते एने दया आवी तेने एक टेबल लई आव्यो तेना पर एक खुर्ती मूकी खुर्ती पर चढ़ी तेने अमारो माड़ो हड़वेथी नीचे उतारले। पछी भीष्म अने बोधराज माड़ो लई गेरेज में गया त्या बोधराज पेटी पर चढ़ी माड़ो दीवार ने टेके मोप पर गोठी दीधो। आ जग्या सलामत हती अहीं चमड़ी आवी सके तेम नहोतो हवे अमे शांत थया अने हता। पेटी पर चढ़ीने बोधराजे माड़ा में डूबती थई अमने कह्युं के बोधराज अमने उपाड़ी लई जशे पण एने एम न कर्युं एने भीष्म पासे थोड़ूक पाणी मंगाव्युं। बोधराजे अमने टीपे टीपे पाणी पीवड़ाय बीजे दिवसे बोधराज आव्यो त्यारे एनी ત્યારે તે એની પાસે નહોતી કૂંપણ કે નહોતા પથ્થર એને દાણાની થેલી ભરેલી લાવ્યો હતો। નિર્દય બોધરાજ હવે દયાળુ થઈ ગયો હતો। ફરી એકવાર ગીતડું એક તોફાની છોકરી એમ કહેશે એકવાર તો ગીતે એક તોફાની બાર કર ઓગાને જાઓ। બોધરાજની જેમ પક્ષીઓને ઓળખો એની બોધરાજ કે જેથી આપ બી પક્ષીઓ કહો पहचानो तेना विषे लखो यानी उसके विषे ले चित्रन नीचे पक्षी नू नाम लखो आ पक्षियों माथी तमने गमता पक्षी विषे लखो और ये पक्षियों के बारे में आपको जो पक्षी अच्छा लगता है उसके नीचे लिखने का है। तो पहला है पतरंगो ये आपको दिया गया है वो आपको पढ़ लेने का है। फिर है दूसरा है मैना मैना यानी कबर। मैना मोटे भागे ग्राम्य विस्तार में जोवा मळतुं पक्षी छे ते बादामी रंगनुं होय छे तेनुं माथुं काळुं होय छे तेनी आँखनी पाछळ पीळा रंगना धब्बा होय छे तेनी चांच अने पग दमदार पीळा होय छे। मैना मोटे भागे जोड़ीमां जोवा मळे छे ते एक साथे पांच छ ईंडा मूके छे ते सूर्योदय पहेला उड़ी जाय छे अने सूर्यास्त पहेला माळामां परत आवे छे। ते जीवड़ा अड़सिया नाना प्राणीओ दाणा फळो वगैरे खाय छे अंग्रेजीमां तेने मैना कही है गुजराती में तेने काबर कहे। तीजा नंबर पक्षी है गरुड़। गरुड़ मोटू शक्तिशाड़ी पक्षी है गरुड़ पक्षीओनो राजा कहवाय तेने मजबूत पाखो अने शक्तिशाड़ी पंजा होय छे। ते पोतानो माड़ो ऊंचा झाड़ पर के पर्वतनी टोच पर बांधे छे तेनो माड़ो सड़ीओनो बनावेलो होय छे ते ससला किसकोली जेवा प्राणीओनो शिकार करे छे। दूरथी पोतानो शिकार जोई शके तेवी तीक्ष्ण दृष्टि होय छे। गरुड़ दुनियाभर में बधे जोवा मळे छे अंग्रेजी में गरुड़ ने फ्लेट कहे छे। घुवड़ पक्षीओं में घुवड़ बीजा प्राणियों करता अलग प्रकारनो पक्षी छे तेने तेना चेहरा ना आगला भाग में बे मोटी आँखो होय छे तेने हूक जेवी मजबूत चांच होय छे। कानी जग्याए बे काणा होय छे तेना पंजा पर मजबूत होय छे। घुवड़ तेनी डोक बधी दिशा में फेरवी सके छे तेथी ते पाछळ पण जोई सके छे। मादा घुवड़ करता नर घुवड़ मोटा होय छे। मादा घुवड़ रात्रे जोई सके छे ते जीवड़ा उंदरो अने ससलानो शिकार करे छे। घुवड़ आवाज कर्या विना उड़ी सके छे तेथी तेने शिकार करवामां सरळता रहे छे। जुदा जुदा प्रकारना घुवड़ जुदा जुदा अवाज काढे छे। घुवड़ પ્રદેશ સિવાય દુનિયા ધ્રુવ પ્રદેશ સિવાય દુનિયાના બધા જ પ્રદેશોમાં જોવા મળે છે। વાક્ય વાંચી જુઓ યાની વાક્ય પઢો સાચા વાક્ય સામે
खरा निशानी करो, यानी सही वाक्य के सामने आपको सही की निशानी करनी है। तो इसमें तीन वाक्य दिए गए, नानो बेन गातू हती, नानी बेन गाती हती, नानी बेन गाती हती, तो तीसरा सही है, उसके सामने सही करने का है ये। फिर दूसरे में पहला नहीं, दूसरा वाक्य सही है, बदा बाड़कों ने चपदौड़ में मजा पड़ी, तो वह सही गिरने का। तीसरे में आपको जो छेला वाक्य है, लग्न में घना मेहमान आवे, वो सही है, वह सही की निशानी का। चौथे के अंदर जो दूसरे नंबर का है वाक्य, बकरी बदा पांदरा खाई गई, वह सही करने का। वाक्य मोटे थी वाचो, जे भूल हो सुधारी लखो, गाढ़ा सरे छापेल शब्द बदलवानो न, यानी वाक्य में बड़े से पढ़ने का है, जो भूल हो आपको सही करनी है, सही करने के बाद लिखनी है, और जो जो एकदम ज़्यादा घट अक्षर है वो बदलने के नहीं है। उदाहरण, जाड़ी डेढ़ को जोर से गातू हो तो, जाड़ो डेढ़ को जोर से गातो हो। अब एक आपको, नानकड़ो पतंगी उड़ती उड़ती नैना नाक पर गई बेची, तो आपको नानकड़ो पतंगी उड़तू उड़तू नेहा ना नाक पर गई बेची, इस रीते लिखने है। हूँ नुसाड़े जवा निकली त्यारे लुच्चू वरसाद पड़ी गई, तो उसने जवाब आएगा, हूँ नुसाड़े जवा निकली त्यारे ज लुच्चो वरसाद पड़े, नाक मोटी पापणों मारी पण कृष्ण जराए डसो नहीं, तो उसमें आएगा वाक्य से, नागे मोटा उपाड़ो मारे पण कृष्ण जराय डरया नहीं। पांचवा है, वारसानी पुस्तक मोटी हती, चित्रनी चोपड़ू पातड़ू हतु, तो इसमें आएगा मोटा घटादार, वा चौथा है मोटी घटादार पीपड़ा पर घना जीव जंतु रहता है, तो उसमें आएगा मोटा घटादार पीपड़ा पर घना जीव जंतु रहता है। पांचवा, वार्तानी पुस्तक मोटी हती, चित्रनी चोपड़ी पातड़ू, तो उसमें सही वाक्य होगा, वार्तानी पुस्तक मोटू हतु, चित्रनी चोपड़ी पातड़ी हती, बधीज बाड़कोए दूध पीतो वड़ीलोए चा पी, तो इसका सही वाक्य है, बधा बाड़कोए दूध पीतु वड़ीलोए चा पी। फरी तूफान करिए, यानी फिर से तूफान, एक तूफानी बार कर, वो आपको गीत फिर से देखने का। ये आपको यहाँ तक रखने का है, इसका चौथा भाग हम आगे के भाग में देखेंगे।